हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर से हरियाणा ब्रांड की 60 पेटी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुष्पा फिल्म के स्टाइल में टैंकर के अंदर छुपाकर ये शराब लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत 3 लाख से अधिक बताई जा रही है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर सप्लाई करने के लिए इस शराब को लाया जा रहा था। पुलिस अब जांच में जुट गई है कि हरियाणा ब्रांड की ये शराब कहां कहां सप्लाई होनी थी। साथ ही तस्करी की आशंका को देखते हुए जिले के सभी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोतवाली हल्द्वानी और एसओजी की टीम के द्वारा आज एक बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और स्थानीय स्तर पे अभी क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन हैं वहाँ इसकी खपत होनी थी। एसओजी की टीम के मुखबरी के द्वारा ये एक जाल फैलाया गया, टीम बनाई गई और तलाशी के दौरान टीपी नगर के पास इस गाड़ी को पकड़ा गया। ये शराब एक टैंकर नुमा जो कि मॉडिफाइड टैंकर टाइप का था उसमें लाई जा रही थी और इसमें मोबिल ऑयल ऊपर की ओर से रखा हुआ था। इसमें दो अभियुक्त हैं, एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है।